और हुण तुहानूं लै के चलदे हां श्री दरबार साहब जिथे कि उपराष्ट्रपति अज पहुंचे हुए ने अते उहनां वल्लों इत्थे नतमस्तक भी होया गया। सो तस्वीरां तुहानूं लाइव दिखा रहे हां, उपराष्ट्रपति अज अमृतसर फेरी ते रहे ते सब तों पहलां श्री दरबार साहब पहुंचे ने नतमस्तक होण लई। सो दस दिए कि इस तों पहलां उहनां ने इत्थे नतमस्तक होए ने, लंगर भी छकिया है। सो इस वेले दस दिए कि श्री दरबार साहब जगदीप धनखड़ पहुंचे ने, श्रोमणी कमेटी वालों उन्होंने एक मंग पत्र भी सौंपया जाएगा। दस दिए कि उन्हों की एक निजी फेरी है, बंदी सिंह की रिहाई की मंग जड़ी है एक बार फिर उपराष्ट्रपति के सामने भी रखी जाएगी। इस लैके मंग पत्र भी दिता जाएगा श्री दरबार साहब तो। यह तस्वीर तुम लाइव देख रहे हो जिथे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे ने। सो श्रोमणी कमेटी वालों क्योंकि उन्होंने कमेटी मैंबर भी मुलाकात करेंगे उपराष्ट्रपति, और इस मौके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मंग पत्र भी दिता जाएगा। बंदी सिंह की रिहाई की मंग जड़ी है वो इस मंग पत्र के जरिए की जाएगी। सो तस्वीर थानू दिखा रहा किस तरह के नाल इतने उपराष्ट्रपति पहुंचे ने, अमृतसर फेरी ते ने। इस तो अलावा वह जलियांवाला बाग भी जाएंगे, दुर्गियाना मंदिर भी जाएंगे, लेकिन उस तो पहला श्री दरबार साहब नतमस्तक हुए ने। उन तो तुरंत पहला तुम तस्वीर दिखाई कि वह जिस नाल नतमस्तक हुए, उस तो बाद उन्होंने लंगर भी छकिया। अते हुण दस दिए कि श्रोमणी कमेटी वालों उन्होंने मंग पत्र भी सौंपया जाएगा। बंदी सिंह की रिहाई का मुद्दा जड़ा है जो लगातार चुकया जा रहा है, इसनों लैके उपराष्ट्रपति मंग पत्र भी दिता जाएगा। दस दिए कि जिस नाल उपराष्ट्रपति इतने पहुंचे ने, सुरक्षा के भी खासे करड़े इंतजाम किए गए ने। और इतने ये तस्वीर एक पासे तुम दिखा रहे हैं जो कि उन्होंने लंगर छकिया अते भांडे धोण की सेवा भी उन्होंने इत्थे कीती है। सो परिवार दे नाल पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो तस्वीर तुसीं वेख रहे हो। सो जी आया उन्होंने आख्या गया अते श्रोमणी कमेटी दे मैंबरां दे नाल भी उन्हां दी मुलाकात होएगी। सो इस मौके ये तस्वीर जिहड़ियां ने जो तुसीं देख रहे हो उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ दियां ने, जो कि श्री हरिमंदर साहब पहुंचे, नतमस्तक होए, अरदास उन्होंने कीती, लंगर भी छकिया अते भांडे धोण की सेवा भी उन्होंने निभाई है। सो दस दिए कि जिस तरह नाल ये मुलाकात उन्हां दी हो रही, इत्थे गल भी कर रहे ने हरजिंदर धामी उन्हां दे नाल। उत्थे ही मंग पत्र भी अज उपराष्ट्रपति नूं सौंपिया जाएगा। बंदी सिंघां दी रिहाई का मुद्दा जड़ा है उपराष्ट्रपति दे सामने भी चुकिया जाएगा। सो बेहद अहम बंदी सिंघां दी रिहाई का जो मुद्दा, जिस नूं लैके लगातार वख वख मौकियां ते आवाज़ चुकी गई है, और अज उपराष्ट्रपति इत्थे पहुंचे ने। हालांकि ये उन्होंने निजी फेरी है, लेकिन बहुत अहम हो जाता है जो देश के उपराष्ट्रपति इस तरह नाल इत्थे आउण, गुरुद्वारा साहब विच नतमस्तक होण लई आए ने, परिवार के नाल इत्थे पहुंचे ने। उत्थे ही दस दिए कि इस तों अलावा वह इत्थों की जलियांवाला बाग भी जाएंगे, दुर्गियाना मंदिर भी जाएंगे, लेकिन उस तों पहलां दीआं तस्वीरां जदों हरिमंदर साहब इत्थे नतमस्तक होण लई पहुंचे ने। श्रोमणी कमेटी वालों उन्होंने मंग पत्र भी सौंपा जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नवी चोण तो बाद पहली बार इतने आ रहे हैं, असं जिथे उन्हों का मान सम्मान भी करना, उत्थे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उन्होंने एक असी मैमोरेंडम भी देना। वो मैमोरेंडम क्योंकि अज सबब बन गया इतने आन का, वो जेडे साडे बंदी सिंह जिन्हां लई असीं जदोजहद कर रहे हैं उन्हां दी। सो तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हां, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनन तों बाद इत्थे पहुंचे ने नतमस्तक होण लई। गुरद्वारा साहब उन्होंने अरदास भी कीती है, लंगर भी छकिया है, भांडे धोण की सेवा भी उन्होंने निभाई है। फिलहाल अपने परिवार के नाल इत्थे वह पहुंचे ने। सो उन्हां दा पूरा मान सत्कार जिहड़ा है वह किया गया उत्थे ही, जिस नाल हरजिंदर धामी एसजीपीसी प्रधान वालों किया गया कि उन्होंने मंग पत्र भी दिता जाएगा। बंदी सिंह की रिहाई का मुद्दा भी उपराष्ट्रपति के सामने रखा जाएगा।